सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड गाइस, आज का व्लॉग भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। मैं सुबह उठा और मुझे एक मैसेज मिला लीना का, जो मैसेज था कि ऋतिक, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, यू हैव टू स्पेंड योर होल डे विदाउट स्पेंडिंग सिंगल रुपीज। मतलब पूरे दिन में एक भी रुपए खर्च नहीं करना है, यानी कि लिविंग ऑन जीरो रुपीज फॉर होल डे। भाई ये क्या चैलेंज है। और आगे और भी मैसेज है, तो गाइस मैं पूरा मैसेज पढ़ता हूँ। एंड देयर विल बी 3 टास्क फॉर यू। मतलब गाइस उसमें भी टास्क, एक तो पहला चैलेंज है 0 रुपीज में पूरा दिन बिताना है, और उसमें 3 टास्क भी है। तू किसी से पैसे नहीं ले सकता, यू कांट ईट घर का फूड, वाह, एंड यू कांट यूज व्हीकल ऑफ एक्टिवा कार। भाई गाड़ी और एक्टिवा भी यूज नहीं कर सकता, किसी से पैसे भी नहीं ले सकता, घर का खाना भी नहीं खा सकता, कैसे बिताऊंगा पूरा दिन 0 रुपीज पे। और फिर लिखा है, इफ यू कंप्लीट दिस चैलेंज आई विल गिव और पे योर पेट्रोल एंड फूड का बिल फॉर 7 डेज। भाई क्या इंग्लिश लिखी है, बट गाइस 7 दिन के लिए पेट्रोल और खाने का खर्चा वो उठाएगी, और अगर मैं नहीं कर पाया तो उसको उसका मेरे को करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई भाई। गाइस ये तो बहुत ही चैलेंजिंग चैलेंज है, 0 रुपीज में पूरा दिन आज का बिताना है। अभी सुबह हो गई है गाइस, आप लोग देख सकते हो एकदम सुहाना मौसम है, और आपको पता है सबसे पहले मुझे लगती है चाय। तो मतलब गाइस मुझे सोचना पड़ेगा, अब मुझे चाय पीनी है, बट मैं क्या करूं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा 0 रुपीज में मेरे को कौन चाय देगा। तो मेरे को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, और चाय तो पीनी पड़ेगी भाई, चाय के बिना तो दिन स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या कर सकता हूँ, देखता हूँ गाइस इधर आजू बाजू में फ्री चाय कौन पिला सकता है। तो गाइज एक तो मैंने चाय नहीं पी थी, तो मेरा दिमाग चल नहीं रहा है कि मैं कैसे चाय पीने के लिए पैसे कलेक्ट करूं। बट फिर मैंने 2-3 लोगों से बात करी कि मेरे को कैसे 0 रुपीज में पूरा डे स्पेंड करना है। तो उसने बोला भाई कुछ काम करके पैसे कमा ले। तो मेरे दिमाग में एक मस्त सा आइडिया है, तो मैं बूट कैंप में 1-2 लोगों से पूछूंगा कि भाई उनका कुछ काम कर लेता हूँ, मेरे को सिर्फ चाय नाश्ता करवा दो। मैं पैसे नहीं ले सकता, बट उनको बोल तो सकता हूँ कि मुझे चाय नाश्ता करवाने लेके चले। तो अब चलते बूट कैंप में भाई, लोग भी एक तो साले सारे हरामी है बूट कैंप में, ऐसे मेरे को कोई पैसा देगा नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। इधर हमारे कोने इस रूम में, चलो इधर मन भाई है गाइस, मन भाई इधर मुझे एक चैलेंज मिला है क्या? तो मैं उस चैलेंज के लिए तेरा कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ। हाँ। बट उस तेरे को चाय और कुछ खिला देना यार, ब्रेकफास्ट करवा देना यार। क्यों भाई, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्यों बोल रहा है भाई, मेरे को चैलेंज मिला है कि आज का पूरा दिन 0 रुपीज में करना है, तो मैं तेरा काम कर रहा हूँ ना भाई। तू मेरे को जो बोलेगा, तेरे को मसाज दू, तेरी मालिश करूँ, तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे चाय नाश्ता करवा दे भाई। क्योंकि गाइस चाय नाश्ता मेन है, वो होने के बाद तो मैं भाई एकदम जहर चाय नाश्ता करवाना है। क्या करो क्या करो भाई, उस हिसाब से काम देना है, ऐसा नहीं भाई चाय नाश्ता में 10,000 का काम करवा रहा है भाई, पूरा रूम साफ करना है भाई। ये तेरा पूरा जो भी ऐसा ऐसा किधर भी पूरा एकदम क्लीन चाहिए, एकदम परफेक्ट चाहिए भाई पूरा रूम। गाइस ये क्या काम दिया, ये तो गंदा रूम कर रखा है इस बंदे ने। ये डेटॉल इधर कौन रखता है भाई, ये डेटॉल गाइस ये बाथरूम में रखने की चीज है, डेटॉल से क्या कर रहे थे गाइस, क्या क्या पता नहीं पाउडर वीडर गेम के लिए इसने क्या क्या रख रखा है। बट तू करवाएगा चाय नाश्ता, इजी इजी, ठीक है, और तू तेरी एक्टिवा पे भी लेके जाएगा। हां हां चलेगा। चलो गाइस ये तो हो गया शॉर्ट एकदम मजेदार, क्योंकि मेरे को एक्टिवा भी यूज करने को मना किया था मन भाई, लेके चले जाएंगे। मैं रूम क्लीन कर देता हूँ अभी, क्या गाइस थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो चलो रूम क्लीन करते हैं, फिर पहले चाय नाश्ता के लिए जाते हैं। गाइस बहुत जोर से चाय पीनी है, मैं उठते ही बेड पे चाय पीने वाला आदमी हूँ, आज मेरे को काम करना पड़ रहा है भाई, ऐसे चैलेंजेस मत दे। बट गाइस कोई नहीं, अगले 1 हफ्ते तक मेरा पेट्रोल का पैसा बच जाएगा इससे, तो लेट्स गो। गाइस इधर फाइनली रूम मैंने एकदम चकाचक कर दिया, मतलब कितना कचरा था गाइस, एक ही मतलब ऋतिक भाई की पावर एकदम क्लीन कर दिया। कैसा लग रहा है रूम? एक नंबर ना। मन को बुलाते गाइस, देखते हैं मन भाई आ जाओ। कैसे सब कुछ टॉप है एकदम, सब कुछ देख किंग भी अच्छा लग रहा है, किंग भी अलग नहीं है, ठीक है। अब इसके बदले अपन ने जो डील करी थी वो डन है भाई। तो चलो गाइस इधर चाय और नाश्ता का जुगाड़ तो हो गया है एकदम ओपी वाला भाई, एकदम थोड़ी कड़क चाय पीऊंगा मैं। वो तुमको तुमको जैसे पीनी है वैसी भाई। चलो गाइस एक नंबर, चलो अगर चलते अभी चाय पीते, एंड देन उसके बाद लंच का भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और कुछ काम है क्या? चलो गाइस फाइनली इधर मन भाई रेडी हो गए एकदम, और अभी मेरे को लेके जा रहे हैं एक्टिवा पे चाय पिलाने। भाई चाय और नाश्ता करता हूँ दबा के, ताकि लंच में ज्यादा कुछ लगे नहीं, क्योंकि फ्री में संभालना है।
धमाके क्या होता है वो भी मैं तेरे को बताऊंगा गाइस। तो अभी अपन जाते चाय नाश्ता करते हैं एंड लंच के लिए मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा वापस क्या कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि बूट कैंप पे मैंने और सोचा था कि किससे काम करवा के निकाल लूँ, बट सब ऐसे ऐसे काम दे रहे, बाथरूम क्लीन कर दे गाइस, मतलब बोल भी नहीं सकता वैसे वैसे काम दे रहे, तो मैंने मना कर दिया बूट कैंप पे मैं किसी से काम नहीं ले रहा अभी, तो ये चीज़ तो अब काम नहीं आएगी। तो लंच के लिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, फिलहाल चाय पीऊंगा तो दिमाग चलेगा, तो चलते चाय की दुकान पर। हम लोग आ चुके हैं फाइनली चाय पीने के लिए, और ब्रेकफास्ट बोला था लंच डिनर नहीं, क्या मंगा गाइस मैंने बर्गर फ्राइज सब मंगा लिया क्योंकि मेरे को पता है भाई बस बस काफी है, बस अभी ब्रेकफास्ट इतना ही होता है भाई, मैं तो एक एक ही मंगा है भाई, मैं भाई मैं तो सोचा और मंगाऊंगा भाई, ब्रेकफास्ट मेरा बहुत हैवी होता है गाइज। एक्चुअली अभी बज चुके 12:30, 1 बज गए, तो मैं सोचा थोड़ा लंच जितना भी खा लेता हूँ, क्योंकि लंच के लिए अभी मेरे को पैसे का कुछ जुगाड़ करना है, मेरे को मिल नहीं रहा है, तो अगर नहीं हुआ तो बाय चांस पेट भरा हुआ रहना चाहिए, ऐसा सीन है। चलो गाइज इधर चाय और बर्गर तो आ गया मेरा, ये नया टाइप का बर्गर है, इधर पता नहीं कैसा है, तो कैसा है गाइज बर्गर, कैसा है ये वड़ा पाव बर्गर है। तो फिलहाल अभी हम ये खाते हैं एंड प्राइस आने वाली है, तो प्राइस भी खा रहे हैं, और ये अब बोला नया ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, और इधर एक मेंबर बढ़ गया है, तो मतलब खाना कम मिलेगा गाइस, शेयरिंग इज केयरिंग, तो अब प्रॉब्लम होने वाली है लंच के लिए फिर से। अब मैं ये खाता हूँ एंड देन मेरे को सोचना पड़ेगा क्या करना है। इधर ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया था, और मैंने सोचा था लंच के लिए किसी का काम करूं, बट सब इतने गंदे गंदे काम दे रहे थे तो मैं कर नहीं पा रहा, तो अब मैं बहुत देर तक मैं रुका था, मतलब इतनी देर तक तो मेरे को भूख नहीं लगी थी, बट अब 4:30 बज गए और अब मेरे को भूख लग रही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ भाई क्या करूँ, कुछ तो खाना है। तो मैं देख रहा था बूट कैंप में हमारे पास क्या क्या गेम्स है, तो आप लोग देख सकते हो इधर इतने सारे गेम्स है मेरे पास, बट कोई भी इतना काम का लगा नहीं, बट इधर एक बलून थी गाइस, एक ब्लॉक के लिए हमने लाई थी, और बलून तो बहुत सारे है हमारे पास, तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं बूट कैंप में एक मेला लगाऊंगा, मेला लगाएंगे वो लोग, और मेले में गाइस पता है वो बंदूक से वो बलून वाले फोड़ने वाले गेम्स खेलते हैं, तो अब मैं वो अरेंज करूंगा और प्राइजेस रखूंगा, देखता हूँ कितना पैसा कमा सकता हूँ और कौन कौन खेलेगा इधर, तो बिना किसी तरीके से पूरा मेला लगाते हैं एंड आपसे मिलते। इसमें बस ऐसे गोली डालनी है और यहाँ से अपन ऐसे रिलोड करेंगे और फिर यहाँ से लोगों को एम करने बोलेंगे, मेरा एम अच्छा नहीं था, बट देखते हैं। अब मुझे प्राइजेस डिसाइड करने के, इनको प्राइजेस क्या दूंगा कि मेरे को ज्यादा पैसे दे सके, एक एक को 3-4 दूंगा और 30-40 रुपए रखूंगा गाइस, अराउंड 150 रुपए कलेक्ट हो गए तो मेरा लंच निकल जाएगा, तो लेट्स सी, देखते हैं प्राइजेस लेके आता हूँ कुछ सोच के एंड देन एक एक मेंबर को पूछता हूँ कौन खेलेगा। तो चलो गाइस पूरा रेडी है, बलून रेडी है, प्लेयर्स को बुलाते हैं। ओके हे गाइस व्हाट इज अप, कैसे हो तुम लोग, तुम्हारे लिए मैंने एक गेम लाया इधर जिसमें तुम आईफोन 13 प्रो मैक्स जीत सकते हो। सही भाई, सही बस 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 इसी तरह तुम्हें गन चलानी है। चलो आओ बाहर आओ जल्दी, एक एक बाहर आओ जल्दी, उठो उठो में इधर इधर फोड़ना है इससे, एक एक गेम की प्राइस रहेगी 30 रुपए, 30 रुपए भाई, 30 रुपए में खेलने मिलेगा। दो बलून फोड़ दिया तुमने तो तुमको मिलेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स, क्या लगता है? देख इतना इजी है एकदम, मतलब इतना मैंने सेट किया है, तो ये बोलो कौन कौन इन्हें दो फोड़ने चांस मिलेगी, 30 रुपए में 3 चांस, कौन कौन खेलना चाहेगा भाई? क्योंकि आज मेरी बहुत गरीबी हालत है तो ये नौबत आ गई कि मेरे को ऐसे गेम खिलाने पड़ रहे, कोई कोई खेलना चाहेगा भाई? तीनों खेल रहे, कितना कितना खेलेगा तू? मैं खेलेगा 9 चांस, 90 रुपए का। चल आ जा भाई, चलो गाइस पहले लेजेंड खेल रहे 9 चांस, रुक जा मैं तेरे को लोड करके देता हूं, ठीक है गाइस लोड करके देंगे एकदम मेरी वाली तरह, 9 चांस दिए उसने, चल तेरे को जितना नजदीक से बोलने बोल, ये लाइन दीवार पे क्या मार रहा है गाइस, पहला चांस हो गया तेरा, 30 रुपए मेरे हो गए, दो बार थोड़ा थोड़ी दो फोड़ना ही है,
अब तेरा दूसरा गेम है। ओ डीप था बट टेप पे लग रहा है, मिल रही है वो पूरी टेप पे लग गया ना। ये वाले स्कैम करते हैं ऐसे ही स्कैम कर रहा है कुछ तो। ये गाइस 13 प्रो मैक्स है भाई, 13 प्रो मैक्स। ये क्या था? ये अलाउड नहीं था। ₹60 का हो गया तेरा। सी चलो आज करेंगे फाइनल गेम। ₹90 गाइस पे विकेट मार लिए क्या? गाइस ने मना कर दिया मेरे को नहीं खेलना है गाइस, यार स्कैम पकड़ा गया। बट अभी फिलहाल ₹150 मैंने कमा लिए स्कैम करके। स्कैम 1992 से भी बड़ा वाला स्कैम था ये, मजा आ गया गाइस। तो यस ₹150 मिल गए, चलो चलते लंच करने। लंच के लिए मैं जाने वाला था बाहर, बट फिर मेरे को याद आया कि मैं ना एक्टिवा यूज कर सकता हूँ ना कुछ यूज कर सकता हूँ। और लास्ट टाइम जब मैंने लीना को क्लिप दिया था उसने बोला था तू किसी और की भी एक्टिवा नहीं ले सकता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बट फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना घर पे बैठे बैठे लंच मंगा लूं। तो इधर मैंने मस्त मिसल पाव ऐड किया गाइस, जो कि हो रहा है ₹147 का। ₹147 का हो रहा है, ₹3 फिर भी बच रहे। और मतलब डिलीवरी वगैरह लग रहा है, बट थोड़ा मंगा लिया कि पेट भर जाए, मतलब इजी गाइस। तो अब मिसल का वेट करते हैं और लंच करेंगे, तब तक मैं डिनर का कुछ सोचता हूँ कि डिनर कैसे जुगाड़ करूँ। तो गाइस इधर फाइनली मेरा मिसल आ गया है और इतना टेस्टी लग रहा है ना, और मैंने थोड़ा तीखा ही मंगाया, मतलब मीडियम वाला मंगाया है क्योंकि पेट भर जाए, क्योंकि अभी सीधा मेरे को रात को खाना है और बीच में मुझे कुछ भी नहीं खाना है क्योंकि अभी पैसे है नहीं खाने के लिए। तो इधर मस्त सा मैंने मिसल मंगा दिया, अब मैं ये खाऊंगा एकदम। हाँ हाँ गाइस क्या टेस्टी है, और ये बेस्ट चीज़ है कि ये ₹150 के अंदर गाइस लिटरली कुछ ₹90 का मिसल है और ₹40 या ₹50 डिलीवरी लग गया मेरे को, तो ₹150 हो गया। बट बाहर किधर भी जाना नहीं पड़ा। आई नो गाइस आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा रहेगा। कौन कौन महाराष्ट्र से और मिसल खाया किस किस ने कमेंट में जरूर बताना गाइस। अब मेरे को टाइम लेफ्ट में देखो मिसल खाते हुए। गाइस इधर मेरा लंच भी हो गया है, अब मेरा सिर्फ डिनर बचा है। और डिनर के लिए मैं प्लान कर रहा था, बहुत ही क्रेजी आइडिया आया था मेरे दिमाग में कि भाई किसी की शादी हो ना उसमें जाके मस्त जाके खा लेता हूँ। तो मैं इधर देख रहा था आजू बाजू में कोई शादी का हॉल में किधर शादी वगैरह है क्या, बट यार मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी पता चला अभी शादी का मौसम ही नहीं है, मतलब कोई शादी नहीं कर रहा, मेरा फ्री का खाना रह गया। अब पता नहीं चल रहा गाइस लास्ट मेरा एक चीज बचा है डिनर, और वो मैं कैसे करूँ। लिटरली गाइस 2 दिन पहले अगर इसने मेरे को चैलेंज दिया रहता ना, मैं इतना फ्री में खाना खा सकता था, मतलब मैं पूरे पूरे दिन फ्री में खा सकता था, क्योंकि सब जगह भाई पप्पा आए हुए थे तो सबने मेरे को इनवाइट किया हुआ था कि भाई आओ घर पे खाना खाने के लिए, तो मैं गया भी था 1-2 जगह। बट यार चैलेंज आज मिला है अभी, तो वो भी हो गया है गणपति विसर्जन भी, तो अब उधर भी मैं नहीं जा पा रहा। तो अब बहुत हार्ड हो रहा है गाइस ये चैलेंज करना कि आगे कैसे मैं बढ़ूं अभी इसमें। बट मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर रहा हूँ। एक कैफे है गाइस जिधर मैं रोज जाता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने उसको कॉल किया कि भाई आज प्लीज मुझे फ्री में खाना खिलवा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे इधर रोज आता हूँ, रोज बिल बनवाता हूँ, तो भाई आज एक दिन तो बनता है। अब देखते हैं उनका कॉल आ गया तो अपना काम हो जाएगा। बट अब प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा दूर है, तो अपन जाएंगे कैसे वो भी प्रॉब्लम है, चल के तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो लेट्स सी गाइस, देखते अभी रेडी होते हैं, नीचे उतरते हैं, देखते क्या करना है। कैफे वाला रेडी तो हो गया है फ्री खाने के लिए, बट अभी सीन ये है कि ये इधर से बहुत दूर है, लिटरली गाइस 2 या 3 किलोमीटर दूर है। तो अब मैं गाड़ी यूज़ नहीं कर सकता और मैं पैदल जाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं इतना नहीं चल पाऊँगा गाइस। 2-3 किलोमीटर मतलब लिटरली 1 किलोमीटर होता तो ठीक है। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ गाइस कि इधर से मतलब वो दी सोसाइटी कोई लिफ्ट मिल जाए ना तो काम हो जाएगा गाइस। बट मेरे को इधर मैं ऑलरेडी मतलब 500-600 मीटर चल के बाहर तक आया हूँ, बट अभी तक मुझे कोई लिफ्ट मिल नहीं रही है, कोई दे नहीं रहा है। तो देखते गाइस जितना होता है उतना वॉक करते, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि डिनर के लिए फिर बाद में मेरे को कुछ मिलता नहीं था। तो लेट्स सी गाइस कितनी देर में अब अपन पहुंचते। गाइस मैं इतनी देर से आगे आगे चल रहा था, मेरे को कोई लिफ्ट देने को मिल नहीं रहा था, फाइनली इधर एक भैया हमें मिल गए जो हमें आगे तक छोड़ रहे, थैंक यू भैया। चलो गाइस अपना काम हो गया गाइस, अपने को चाहिए थी लिफ्ट, थोड़े कैमरा शायद, तो बस उधर आगे थोड़ा कॉर्नर तक छोड़ दे। गाइस भैया उसी साइड जा रहे थे तो मेरे को आगे कॉर्नर तक छोड़ देंगे। मेरा काम हो गया भाई, मज़ा आ गया गाइस, कुछ तो एडवेंचर पता नहीं भाई गाइस इधर। चलो अब मैं सीधा आपको इधर से थोड़ा ही दूर है गाइस कैफे, तो मैं कैफे में मिल थोड़ा है। तो गाइस इधर मैं फाइनली आज
फ्री में खाना मैंने अरेंज करने बोला था तो धीरज सर ने हमारे कर दिया, थैंक यू भाई। और मैंने एक चीज़ बोली थी, और ये देखो मतलब इतना डिनर मैंने कभी नहीं किया रहेगा, मतलब मैंने तो बोला था कुछ भी मेरे को डिनर के लिए चलेगा आज, बट गाइस लिटरली ये देखो मतलब आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मतलब एक कैफे में डेली आने का फ़ायदा, थैंक्स। गाइस लिटरली इससे बेस्ट डिनर मैं नहीं गया फ्री में, और मैं इधर डेली आता हूँ तो मैंने उनको बोला था भाई आज प्लीज़ मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, मेरे को नहीं पता था इतनी सारी अरेंजमेंट हो जाएगी और इधर इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है, तो अब ये सारी मैं पार्सल करवा के घर पे लेके जाऊँगा और रात को भी आराम से बैठ के खाऊँगा गाइस, मतलब लिटरली मज़ा आ गया, बेस्ट चैलेंज। अब ये वीडियो मैं लीना को भेजूँगा और उससे एक हफ्ते का और फ्री में भी खाना खाऊँगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो यस गाइस आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, मज़ा आ गया भाई। चलिए अभी मैंने डिनर कर लिया और उधर से पार्सल ले लिया एंड उस बंदे ने यार मेरे को इधर तक ड्रॉप भी करवा दिया तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, मतलब गाइस पता नहीं था भाई इतना भी हो जाता है अगर पहचान हो तो, मतलब गाइस लिटरली मैं उधर मतलब बहुत ज़्यादा पहचान है, उधर के सारे लोग ही मेरे को जानते हैं क्योंकि मैं महीने में पहले तो मैंने जब मैं एक साल पहले था मेरा 2 साल का स्ट्रिक चल रहा था वो कैफ़े में, मतलब डेली जाता था डेली, तो यस काफ़ी सही रात का खाना भी हो गया एंड आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस 6 लाख सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब है, 0 रुपीज़ चैलेंज किया है, 6 लाख सब्सक्राइबर करवा दो यार फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, पीस आउट।